नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का बेस्ट एवर प्रेडिक्शन दिया है कल के लिए। कल क्या है? एक्सपायरी, दैट मींस 15th ऑफ जून के लिए। अगर मैं आज की बात करूं, आज मैंने टेलीग्राम और पीटीएस ऐप पता क्या दिया, आज मैंने 44,500 का पुट ऑप्शन दिया। इतना चौपी मार्केट था फिर भी, इतना रेंजबाउंड मार्केट था फिर भी, और उसने 80 पॉइंट आपको दिए। जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड बन गया आज वो। आशा करता हूं सभी लोगों ने पैसा बनाया होगा। अच्छा नाउ, अब कल के लिए पता है मैंने इस वीडियो में आपको दो जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट किए हैं, राइट, जो कि कल आपको शानदार पैसा बना के देने वाले हैं। और वीडियो के अंदर मैंने दो स्टॉक भी डिस्कस किया है जो कि कल अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और वन मोर थिंग, कल बैंक निफ्टी में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, ये पक्की बात है। क्यों? डेटा पॉइंट ही ऐसे शो हो रहे हैं, ऑप्शन चेन का जो डेटा है उस प्रकार से मेरे को शो हो रहा है। और जो चार्ट पैटर्न बना है ना, जबरदस्त वाला बना है, ठीक है। अब कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, डेटा क्या बोल रहा है, ये सब मैंने डिस्कस किया वीडियो में, प्रॉपर देखना है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक और कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता हूं। आज भी बढ़िया ट्रेड दिया चौपी मार्केट में, राइट, कल भी देने वाला हूं। तो बस मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कि आज आप लोग इस वीडियो पे 10,000 लाइक और एटलीस्ट कम से कम 900 कमेंट तो आप करें ही करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं। सो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली जो चीज है कि कल हमारा एक्सपायरी है। दूसरा ये है, जो यूएस फ्यूचर्स है ना, ये लगभग 36 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है, नेगेटिव टू फ्लैट के अलग तरीके से, ठीक है। और ऑप्शन चेन पता क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको 44,000 के पुट पे पोजिशन दिखाऊं ना, ओपन इंटरेस्ट, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। लगभग खड़े हैं लगभग 2,37,000 और टोटल 1,00,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है करीबन 43,900 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, ये मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है बैंक निफ्टी। अगर ये लेवल टूटा तो क्रैक है, अगर बच गया तो ऊपर साइड रैली है, ठीक है। और मेरी कल वाली वीडियो आप जाके देखिए, मैंने बताया था बाय ऑन डिप करके चलना है मार्केट, एग्जैक्टली वही हुआ। हाँ, हुआ क्या, बेसिकली रेंज बाउंड रह गया, वो अलग बात है, ठीक है। अब देखो, अभी क्या है, बैंक निफ्टी अपना वही अगेन से मल्टी डेज सपोर्ट के आसपास क्या है, क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है हर बार, देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहां सपोर्ट लेने के बाद क्या किया इसने, बॉक्स पैटर्न फॉर्म कर दिया है। तो हमारे लिए देखो दो सिचुएशन है, पहला बाइंग किसके ऊपर करेंगे और दूसरा सेलिंग किसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो कल एक्सपायरी है, मार्केट दोनों साइड बिहेव कर सकता है, मोमेंटम कर सकता है। तो बाइंग हमारा होगा इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर, ये बॉक्स पैटर्न दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर इसका रेजिस्टेंस है 44,130 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, रेंज बनाता है, ठीक है, और रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है, देन वी कैन गो फॉर बाय टारगेट 44,270 एंड 44,370, ये तीन टारगेट है, करेक्ट। एंड लास्ट टारगेट 44,450 आप कह लीजिए। क्यों मैं दे रहा हूं, ये देखो, ये हार्डली ये हमारा रेजिस्टेंस टारगेट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, लिख लीजिए प्लीज, यदि बहुत तेजी से ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल तरीके से क्या करता, सुनो, ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब नॉर्मल तरीके से, को यहां से भागता है इतनी दूर तक, उसके बाद थोड़ा सा अगर रेस्ट करेगा, हल्का फुल्का रेंज बनाएगा ना, तब जब तोड़ेगा तब जाके ज्यादा आप बिलीव करना, तब आप बाय करिएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब बहुत तेजी से ब्रेकआउट दे, ज्यादा विश्वास मत करना, ठीक है, क्योंकि धोखा दे सकता है। बस हमको थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन होने देना है, तब जाके बाय करके चलना है। इन दिस केस 43,700 का आप सी ले सकते हैं 15th ऑफ जून वाली एक्सपायरी, ये हीरो टू जीरो रहेगा, ठीक है। और ये आपको 400 to 410 के आसपास लेना है, एक अनुमान दे रहा हूं, अब एग्जैक्टली कहां प्रीमियम खुलेगा कोई आइडिया नहीं है मेरे को, ऐसे हो जाएगा 380 टारगेट 460 480 540, ये आप तगड़ा वाला। सबको रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर करिएगा जितने लोग देख रहे हैं नए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। बाइंग का समझा चुका हूं, अब सुनो सेलिंग कैसे होगा। सेलिंग होगा ऑफकोर्स इस सपोर्ट के नीचे, 1 2 3 4 5 लगभग 5 बार इसने सपोर्ट ले लिया है। अब ये सपोर्ट है 43,950, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, तोड़ता है, वी कैन गो शॉर्ट। फर्स्ट टारगेट पता क्या होगा, फर्स्ट टारगेट देखो ये हमारा होगा, ये वाला, ये टारगेट है 43,880, ये टूट गया तो हमारा सेकंड सपोर्ट है ये वाला, ये है हमारा 43,800।
और अगर ये टूट गया तो देन हमारा पता क्या टारगेट है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो हर एक ट्रेड का पीछे का लॉजिक बता रहा हूं ना, तो भाई प्लीज लाइक करते रहिएगा। फिर हमारा लास्ट सपोर्ट है भाई ये वाला, पहले ये, पहले ये, फिर उसके बाद ये 43,700, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट्स हैं। अच्छा ये भी हमारा रह गया, ये भी सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है ना। अच्छा ये सेलिंग के लिए है, और इवेंचुअली जब ये बॉक्स पैटर्न का लोअर एंड टूटेगा तो पता है क्या होगा, एक चीज का और ब्रेकडाउन हो जाएगा, पता है क्या, वो है हायर लोज और ये अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाइएगा क्रैक इसलिए भी आएगा क्योंकि भाई ये अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हो चुका होगा उस टाइम पे जो कई दिनों से चलते हुए आ रही थी ये, इसको मल्टी डेज, इसको मल्टी डेज ट्रेंड लाइन बोलता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी का मेनली एनालिसिस है, बस हमको वेट एंड वॉच करना है। अब सुनिए, अच्छा इसका, इसमें कौन सा पुट ऑप्शन लेके चलना है ये मैं आपको कल बता दूंगा, लिसन वेरी केयरफुली, हमको अवॉइड किसके बीच में करके चलना है। देखो एक बॉक्स, ये जो बॉक्स पैटर्न है ना, रेजिस्टेंस है 44,130 और सपोर्ट लाइन है हमारा, लोअर रेंज है 43,950। अब क्या है, इसके बीच में हमको अवॉइड करके चलना है, ठीक है, अवॉइड करके चलना सिंपल, क्योंकि इसके बीच में प्रीमियम डीके होगा और इसके बीच में जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं जो स्कैल्पिंग कर सकते हैं वही ट्रेड करिएगा। कैसे मैं बता रहा हूं, 44,000 के आसपास लीजिएगा, 44,130 के आसपास निकल जाइएगा, ठीक है। अब सुनिए, जो सेल करना चाहते हैं 44,100 के आसपास सेल करिएगा, 43,930 के आसपास, 50 के आसपास निकल जाइएगा, ऐसे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो नए ट्रेडर है अवॉइड करें। चलिए तो बैंक निफ्टी का मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको बता चुका हूं, और देखिए अगर इसको ऊपर जाना होगा तो पता है कैसे ऊपर जाएगा अपना भाई, डाउन ट्रेंड का जो कंफर्मेशन किया है ऐसे ऊपर जाएगा, जिस प्रकार से हर बार ये ऊपर जा रहा है, देख पा रहे हैं हर बार जिस प्रकार से ऊपर के जा रहा है, पीछे भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ सेम पैटर्न, ये देखो है कि नहीं, तो सेम तरीके से हर बार ये ऊपर जा रहा है। तो इस ऐसा अगर अगर ऊपर जाना तो डेफिनेटली इसी प्रकार से ऊपर जाएगा। निफ्टी समझते हैं, आपको पता है मोस्ट ऑफ जो ऑप्शन बायर हैं वो अपना पैसा इसलिए लूज करते हैं ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि उनके पास एक तो देखो गलत स्ट्रैटेजी है, सही स्ट्रैटेजी उनके पास है ही नहीं, दूसरा उनको लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना उनको कोई लाइव मार्केट में सिखाने वाला होता है। सब चीज वो लोग बढ़िया करते हैं लेकिन मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट में ट्रेड लेना शुरू करते हैं सारी उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। इन्हीं चीजों को कंसिडर करते हुए मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग एंड मेंटरशिप बैच लेके आया हूं। मेरे को पता है आप लोग के साथ सेम ऐसे ही होता है। ये जो बैच है हमारा सबसे बड़ा अब तक का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा, आप लोग को मेरे साथ पूरा 1 महीने तक लाइव ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं दोस्तों, क्लासेस हैं 16 जून से, ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी तक हमने कितना क्लासेस किया पता है, 44 क्लासेस किया है, 44 में से केवल हमने 4 से 5 दिन ओनली लॉस किया है, बाकी सारे दिन दैट मींस 39 डेज हमने क्या किया है, रेगुलर बेस पे पैसा बनाया है। इतनी कंसिस्टेंसी आपको कोई मेंटरशिप बैच नहीं दे सकता, इतना मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, राइट। अच्छा क्या हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आप जरा पढ़िए फीडबैक, हर एक व्यक्ति का आप जरा फीडबैक पढ़िए। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोगों ने अपना फीस 3 से 4 दिन के अंदर रिकवर कर लिया है। फीस जाना चाहोगे दोस्तों, फीस आपके लॉसेस से भी कम है, फीस है 5500, लेकिन क्योंकि पीटीएस फैमिली हमारे लिए सबसे बड़ी सबसे पहले है, हमने आप लोगों के लिए 1000 रुपीज ऑफ किया है, ये पड़ेगा आप लोगों के लिए 4500 में ओनली, ठीक है ना। ये है परचेस लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। इतना मैं बता दूं, इसमें पता है लाइव में मैं जो भी ट्रेड लूंगा आप लोगों को शेयर करूंगा कि भैया ये आप ले लो, ठीक है, जहां पे मैं निकलूंगा वहां पे आप लोगों को बता दूंगा कि यहां पे निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। सिंपल लाइव मार्केट में इंस्टेंट मैं आपको ट्रेड शेयर करने वाला हूं पूरा 1 महीने तक, राइट। और हर एक ट्रेड के पीछे का आपको पता है लॉजिक भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग कमा भी सके और सीख भी सके। और 1 महीने में मैं डंके की चोट बता रहा हूं आप लोग को, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा अगर आप प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करते हैं तो, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलता हूं क्लास में, और फीडबैक जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। निफ्टी ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी कंपैरिजन में, ठीक है। निफ्टी देखो मजबूत इसलिए क्योंकि सारे मिड कैप में जान है, स्मॉल कैप में जान आ गई है, सारे चढ़ रहे हैं, इसलिए निफ्टी मजबूत है ज्यादा, ठीक है। निफ्टी फ्रेश बाय होगा इसके ऊपर, ये देखो ये हमारा काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न कह लीजिए, 18,770 के ऊपर फ्रेश बाय होगा, 18,830
60 सेकंड टारगेट 18,700 का आप सी लेंगे 15th ऑफ जून वाली एक्सपायरी, करेक्ट है। अच्छा आप सुनिए, अब आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको प्रीमियम बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड लेने हैं लर्निंग पर्पज के लिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सच एज एंजल ब्रोकिंग, लाइस बोलो, दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करिए, फंड ऐड करिए, ट्रेड स्टार्ट करिए और हमको सबसे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हम आपको देन ऐड कर लेंगे प्रीमियम ग्रुप में। आज का दिन भी बहुत शानदार रहा, मार्केट था चौपी लेकिन हमने पैसा बनवाया, सामने दिख रहा है स्क्रीनशॉट प्रूफ के लिए। अब सुनो, अब निफ्टी में डिप अगर दिखाता है निफ्टी करीबन कहां तक 18,660 के आसपास, यहां पे देखो सपोर्ट है, तो बुलिश हैमर बनाएगा लाइक दिस, तो बाय करके चलना जैसे तोड़ता है बुलिश हैमर, ठीक है। तो ये निफ्टी का हमारा है, निफ्टी में बाय ऑन डिप क्यों करना है, क्योंकि देखो ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूं फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पकड़ सपोर्ट है, ऊपर जाएगा, क्लियर है। अच्छा बैंक निफ्टी में सुनो, अगर बैंक निफ्टी में गैप अप होता है, गैप अप हो गया तो थोड़ा सेलिंग आ सकती है। आज क्या हुआ, मैंने कल वाली वीडियो में जाके देखिएगा, ये वाली वीडियो मैंने बोला था गैप अप में अवॉइड करना, क्योंकि गैप अप में थोड़ा बहुत सेलिंग हमको देखने को मिलेगा, गैप अप में निकलेंगे लोग, एक्जैक्टली वही हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप हुआ लेकिन गिरते चला गया। मैंने मॉर्निंग में इसलिए आपको पुट ऑप्शन दिया था, ध्यान होगा आपको, पैसा बना टेलीग्राम और पीटीएस ऐप में, आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो गैप अप में अवॉइड करके चलना है, गैप अप में बस वेट करना, कंसोलिडेशन जैसे ही हो, जितना कंसोलिडेशन हो और उसके बाद अगर कंसोलिडेशन हाई टूटे तब जाके बाय करके चलना, और गैप डाउन में अवॉइड करना, ठीक है, ये चीजें हैं अवॉइड। चलिए ट्रेडर्स, यदि हम बात करें आज हमारे टेलीग्राम और पीटीएस ऐप की, हमने क्या क्या दिया आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहली बात तो इतना चौपी मार्केट था फिर भी मैंने आप लोगों के चेहरे पे खुशी लाई। मैंने आज पहले मैं बात कर लेता हूं जिसमें हमको बढ़िया रिटर्न मिला, मैंने आपको दिया था बैंक निफ्टी का 44,500 का पुट ऑप्शन जिसमें 80 पॉइंट देखने को मिले, जाके चेक करना। मैंने आप लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा साथ में करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अपना छोटे मोटे ट्रेड दिए, एक में हमको मिला 9%, एक में 14%, एक में 4%, एक हमने निफ्टी का ट्रेड दिया था। ये दोनों मैंने पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे दिए थे, सोचो ना कितना बढ़िया बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड देता हूं मैं लर्निंग पर्पस के लिए, और हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी शो यू, देखो हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक, इसका क्या लॉजिक था, इसका देखो सेलिंग का क्या लॉजिक था, सिंपल मैंने लिखा ना लॉजिक बिहाइंड बैंक निफ्टी ब्रेकफास्ट ट्रेड। अब सोचो कि इतना कोई करता है, जरा खुद देखना भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, आप खुद चेकआउट करना। अच्छा मेंटरशिप बैच पूछो मत, शानदार रहा, मार्केट रेंज बाउंड था बट फिर भी मैंने पैसा बनवाया। दोस्तों बैंक निफ्टी का 44,300 का हमने पुट ऑप्शन लिया जिसमें हमको 38 पॉइंट देखने को मिले, शानदार रहा। मैंने अपना वही अगेन से टेलीग्राम पे मैंने स्पॉट सेल दिया मॉर्निंग में कि बैंक निफ्टी 43-60 के नीचे जाता है तो सेलिंग करके चलना, लगभग 90 पॉइंट दिए। अब जिसने मेरी बात सुनकर सोचो पुट ऑप्शन लिया होगा, पैसा बना कि नहीं बना, डेफिनेटली बना। तो यही सब मैं सपोर्ट देता मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। कल भी मैं कल तो मैं शानदार 0-0 का ऑप्शन ट्रेड देने वाला हूँ पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे, और कल मैं लाइव आने वाला हूँ लर्न विद पीटीएस पे यूट्यूब पर, हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड करो पीटीएस ऐप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, 1,55,000 का सब्सक्राइबर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से स्टॉक। अच्छा ट्रेडर्स थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, हमारी पीटीएस फैमिली अब 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुकी है, तो लव यू फॉर दैट एंड बस सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो को लाइक और कमेंट आप लोग करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। कल के लिए दो स्टॉक हैं गोदरेज सीपी, इसको बाय करके चलना है 1073 के ऊपर बाय अबव, ठीक है। एंड जेएसडब्ल्यू स्टील हमको बाय करके चलना है डे हाई के ऊपर, यानी 780 के ऊपर हमको बाय अप करके चलना है। दिस इज इट फॉर टुडे, और जान लेते हैं सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड, मैंने क्या बोला 43,950 के नीचे हमको सेलिंग करके चलना है, करेक्ट। वहां पे 44,400 का आप पी ले सकते हैं, ऑफकोर्स 15 जून वाली एक्सपायरी, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं 370 के आसपास रहेगा, ऐसे लगाना लेट्स से 360 का टारगेट होगा 420, 460 एंड 500। आज के लिए इतना ही, चलिए मैं आपको मिलता हूँ कल आ जाइए, कल आप लोग आ जाइएगा 10 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग के टाइम। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।